जय हिंद। तो दोस्तों, आज आखिरी दिन एशियन गेम्स का समाप्त हो चुका है और भारत को आज काफ़ी सारे पदक मिले हैं। तो चलिए एक बार हम लोग नज़र डालते हैं आज के दिन के पूरे रिजल्ट्स पर और देखते हैं भारत कहां तक पहुंचा मेडल टेली में और भारत के किन एथलीट्स ने आज यहां पर पदक जीते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें आर्चरी की, आर्चरी में भारत के ओजस प्रवीण देवतले ने यहाँ पर मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल में एक गोल्ड मेडल जीता है और इसी इवेंट में भारत के दूसरे जो आर्चर थे अभिषेक वर्मा, उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। आप लोग आगे देखेंगे जहाँ पर टीम इंडिया ने वुमेंस कबड्डी में आज एक गोल्ड मेडल जीता है और बहुत ही मतलब कड़ा एक मुकाबला था जहाँ पर चाइनीज ताइपे को भारतीय वुमेंस ने कबड्डी में हरा कर ये गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद भारत की स्टार जोड़ी यहां पर बैडमिंटन में सात्विक साईराज रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की एक बड़ा उलटफेर करते हुए उन्होंने यहां पर एक गोल्ड मेडल जीता है और ये गोल्ड मेडल बहुत वक्त तक यहां पर याद रखा जाएगा क्योंकि उन्होंने जैसा खेल का आज प्रदर्शन किया है वो काबिले तारीफ है। इसके बाद यहाँ पर भारतीय मेंस क्रिकेट टीम को गोल्ड मेडल मिल चुका है क्रिकेट का। हालांकि इस मैच का फैसला बारिश की वजह से यहाँ पर मैच सस्पेंड हो गया और क्योंकि भारत यहाँ पर एक हायर रैंक टीम थी तो भारत को गोल्ड मेडल दे दिया गया। पर कोई बात नहीं, हमको तो गोल्ड से मतलब है और भारत को एक गोल्ड ज़रूर मिला है क्रिकेट में यहाँ पर। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कबड्डी की, तो मेंस कबड्डी टीम का मुकाबला ईरान से काफ़ी कड़ा रहा जहां पर कुछ विवादों के चलते ये मुकाबला करीब एक घंटे तक शुरू ही नहीं हुआ। मतलब जो आखिरी मिनट बचा था वो आखिरी मिनट शुरू होने के लिए करीब एक घंटे का समय लग गया क्योंकि ईरान ने यहाँ पर कुछ आपत्ति जताई थी पॉइंट्स के, यहाँ पर जो पॉइंट्स बांटे गए थे उन पर। लेकिन जब ये मैच दोबारा शुरू हुआ तब भारत ने और 2 पॉइंट लेकर यहाँ पर ईरान को पूरी तरह से हरा कर यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है कबड्डी का। इसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग स्कोर पर नज़र डालें तो भारत ने 33-29 से ईरान को यहाँ पर हराया है फाइनल्स में कबड्डी के। इसके बाद मैंने पहले जब बताया आपको जहाँ पर भारत के ओजस प्रवीण देवतले ने गोल्ड जीता है उसी इवेंट में उनका फाइनल मुकाबला था भारत के ही अभिषेक वर्मा से, तो अभिषेक वर्मा यहाँ पर सिल्वर मेडल जीते हैं। इसके बाद भारत की अदिति स्वामी यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीती है वुमेंस कंपाउंड इंडिविजुअल इवेंट में और टीम इंडिया ने वुमेंस हॉकी में भी एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है जहां पर इंडियन टीम ने 2-1 से जापान को हराकर ये मेडल जीता है। इसके बाद अगर हम लोग रेसलिंग की बात करें तो रेसलिंग में भारत के दीपक पुनिया ने मेंस 86 kg फ्री स्टाइल में यहां पर एक सिल्वर मेडल जीता है। इसके बाद अगर हम लोग चेस की बात करें तो चेस के इवेंट्स काफ़ी दिनों से हो रहे थे जहां पर भारतीय वुमेंस चेस टीम ने यहां पर सिल्वर मेडल जीता है और मेंस चेस टीम ने यहां पर एक सिल्वर मेडल जीता है, तो दोनों ही जगह से भारत को सिल्वर मिले हैं आज चेस में। इसके बाद अगर हम लोग मेडल टैली पर नज़र डालें तो भारत ने जैसा कि अपना एम रखा था इस बार 100 से ज़्यादा पदक लाने का, तो भारत उस एम को अचीव करने में सक्सेसफुल रहा है और 104 पदक यहाँ पर भारतीय खिलाड़ियों ने जीते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज वाइज देखें पदकों को, तो भारत ने 28 गोल्ड, 35 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज यहाँ पर जीते हैं और रैंक में भारत चौथे स्थान पर रही है इस बार एशियन गेम्स में। हम उम्मीद करते हैं 4 साल बाद जब दोबारा एशियन गेम्स आएगा तो भारत अपना जो रैंक है वो सुधारेगा और चाइना के बाद दूसरे स्थान पर ज़रूर आ सकता है भारत। हमको उम्मीद है भारत अपना रैंक सुधारता जाएगा एशियन गेम्स में। तो यही थे आज के रिजल्ट्स। एशियन गेम्स हालांकि ख़त्म हो गया है लेकिन स्पोर्टिंग इवेंट्स जारी रहेंगे और आपको सभी स्पोर्टिंग इवेंट्स के न्यूज़, व्यूज़ और एनालिसिस इस चैनल पर सबसे पहले मिलते रहेंगे। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और आपके कोई सुझाव या कोई ऐसी कोई चीज़ हो जो आप देखना चाहते हैं इस चैनल पर तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम उसके ऊपर वीडियोज़ लाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।